हेलो फ्रेंड्स, आई एम रसन झा फ्रॉम CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं HTML फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना, टेक्स्ट बॉक्स को साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना, और साथ ही टेक्स्ट बॉक्स को हम डिजेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं फॉर्म हम किस तरह जनरेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्म टैग यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि फॉर्म के अंतर्गत जितने सारे जो आपको जो ये टेक्स्ट बॉक्स सब जो बनता है वो फॉर्म के अंतर्गत फॉर्म का एलिमेंट है। दोस्तों, आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या ऑफलाइन में फॉर्म यूज़ करते हैं तो फॉर्म में क्या होता है, यूजर नेम होते हैं, पासवर्ड होते हैं, एड्रेस होते हैं। तो जितनी जो आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो फिलअप करते हैं उससे दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म ओपन किया हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्म को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म क्लोज हो गया, और ये फॉर्म के अंदर में क्या करना है दोस्तों, हमें टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करने के लिए इसका कोडिंग देना होता है। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि फॉर्म के अंतर्गत कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल में रख चुका हूँ, और एट्रीब्यूट्स को होते हैं कुछ एडिशनल फीचर। मान लीजिए फॉर्म में आप टेक्स्ट को सबमिट करेंगे तो क्या होता है, तो फॉर्म में सबमिट करने के बाद में सर्वर में स्टोर होगा, किस तरह डाटा ट्रांसफर होता है, सारा मेथड सब उसमें डालना होगा। तो यहाँ पे नेम एक एट्रीब्यूट है, तो नेम इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो नेम से क्या होता है, तो इस सर्वर रिकॉग्नाइज करता है कि जो फॉर्म जो है वो किस कैटेगरी का फॉर्म है। तो यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा एंट्री फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया हूँ, ये वैल्यू हो गया दोस्तों, ताकि सर्वर को आसानी से समझ सके कि ये जो फॉर्म का कैटेगरी है वो डाटा एंट्री फॉर्म है। इसके बाद एक्शन दोस्तों, ACTN एक्शन, एक्शन में इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, एक्शन भी एक एट्रीब्यूट है, आपको नेम की तरह एक्शन भी एट्रीब्यूट है। एक्शन का मतलब होता है कि इस एट्रीब्यूट से आप डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्म जो सबमिट होने के बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक्शन इक्वल टू यहाँ पे फाइल का नेम जो है, यहाँ पे textbox.html दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे HTML दे सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है दोस्तों, कि वो जो होता है इसे मेथड कहते हैं, यहाँ पे इसे मेथड कहते हैं। तो मेथड इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो मेथड एट्रीब्यूट का काम होता है कि डाटा किस मेथड से होकर के जाएगा ये डिफाइन किया जाता है। आप फॉर्म डाटा जिस मेथड से सबमिट कर सकते हैं सर्वर में, इसलिए यहाँ पे मेथड यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मेथड इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है फॉर्म का जो एट्रीब्यूट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हेडिंग देना होगा, H1 है, H1 में, ताकि ये समझ सके कि ये टेक्स्ट, ये आपको जो है डाटा एंट्री फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए कि H1 को क्लोज कर देते हैं, एक हेडिंग टैग है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑल टैप करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करना होगा, जितना आप कोडिंग ऐड करेंगे सबको क्या करना होगा, सेव करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो रिफ्रेश बटन है, फिश बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, पी टैग देते हैं। पी का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, जो एक कंटेनर टैग है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्म में जहाँ भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम होता है। ठीक है, यूजर नेम, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ पे पी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑल टैप करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रिफ्रेश में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करने के लिए इनपुट टाइप, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये इनपुट जो है दोस्तों, एक जो टैग्स है, एक कंटेनर टैग्स है, जो क्या होता है, तो किसी भी टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, इंट्री करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनपुट करेंगे। ठीक है, इनपुट टाइप, टाइप दोस्तों एक एट्रीब्यूट है, तो किस टाइप का इनपुट होगा यहाँ पे, तो टेक्स्ट इनपुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे, तो टेक्स्ट टाइप इनपुट यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। टाइप एक एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट एक वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद नेम, नेम जो है, नेम इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि नेम क्या होता है दोस्तों, तो सर्वर को समझने के लिए कि ये जो है आपको किस कैटेगरी का आपको टेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट यूजर नेम कर देंगे, टेक्स्ट यूजर नेम।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ताकि सर्वर समझ सके कि ये जो टेक्स्ट है ये यूजर टाइप का टेक्स्ट का यहाँ पे बॉक्स है। पैकेट क्लोज करते हैं, ऑल्ट एप करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट बॉक्स दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए इस टेक्स्ट बॉक्स में और कुछ एटीबीटी अप्लाई करेंगे, इसका साइज कितना बढ़ाना है, इसका कैपेसिटी कितना मेंशन करना है, ठीक है, इनेबल करना है कि डिजेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट यूजर वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू वैल्यू। दोस्तों एक बात मैं जना दूँ, ये जो वैल्यू जो होते हैं दो तरह के वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट रखेंगे तो वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह मैं रख दूंगा, इसी डिफॉल्ट करते हैं। अगर ऑल्ट एप करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, ऑल्ट यहाँ पे क्लिक करके अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये डिफॉल्ट है। अगर इसी डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं, रमेश कुमार झा, ठीक है, रमेश कुमार झा करते हैं, अगर ऑल्ट एप करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे रमेश कुमार झा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो भी रख सकते हैं, आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं और या फिर आप ये कंटेंट देख करके यहाँ पे शो भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक प्लेस होल्डर होता है, जो यहाँ पे जब भी कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे शो होगा, नहीं होगा, मैं ग्रे स्किल में यहाँ पे शो होता है, लेकिन दोस्तों 7 में सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। ये तो विंडोज 7 है, 10 में हम फिर दिखा पेंगे, 10 में नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आवेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, तो वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे साइज SIGD। अगर मान लीजिए कि टेक्स्ट का साइज आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, साइज कर देंगे, साइज इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए कि हम 40 कर देते हैं, ठीक है। अगर 40 करेंगे तो यहाँ पे 40 करने के बाद ऑल्ट एप करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, ऑल्ट एप करते हैं और सॉरी क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बड़ा हो चुका है, साइज इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह साइज एटीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए कि इसमें रमेश कुमार झा है, इसको हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आप कितना कैरेक्टर तक यहाँ पे आप मैनेज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, वो आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। तो मैक्स लेंथ LENGTH मैक्स लेंथ इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 12 कैरेक्टर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑल्ट एप करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 12 से ज़्यादा हम अब नहीं रख सकते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई हम नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे लेंगे, रोशन कुमार, देख सकते हैं यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12 मैक्सिमम लेंथ जो है इसका कैपेसिटी जो है 12 कैरेक्टर ही यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 40 कर दें या 50 कर दें, तो 50 कर दें तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑल्ट एप में सेव करेंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रमेश कुमार झा है यहाँ पे, ये जो आपको जो यहाँ पे सेटअप किया होता है रोशन कुमार झा झा दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आसानी से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे एड्रेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम क्या करते, ठीक है, पी करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एड्रेस परमानेंट एड्रेस कर देते हैं, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे कॉलन करेंगे और यहाँ पे पी को हम क्लोज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे पी को हम क्लोज कर देते हैं। तो अब जब भी हम ऑल टैप करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ चुका है, ठीक है। अगर आप स्पेस मेंटेन करना चाहते हैं तो स्पेस भी मेंटेन यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। यहाँ से हम BR प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेस भी मेंटेन होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम एक BR यूज कर देते हैं, यहाँ पे BR यूज कर देते हैं। तो BR जब भी यूज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये जो है परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे भी अगर हम BR यूज करते हैं, यहाँ पे भी अगर हम BR यूज करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन बनेगा। अगर और एक BR हम यूज करते हैं, BR यूज करते हैं, ऑल टैप में जाकर के यहाँ पे सेव करते हैं, अगर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। अब जितना स्पेस मैनेज कर सकते हैं दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं सिंगल स्पेस यहाँ पे BR देना चाहता हूँ, ऑल टैप में जाकर के यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे का ऑप्शन में चलते हैं। आगे का ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे
हम इनपुट टाइप यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट बॉक्स में मेंशन करते हैं इनपुट, इनपुट एक आपको टैग है और टाइप जो है इस टैग का एट्रीब्यूट है, ठीक है। विदाउट एट्रीब्यूट हम कुछ भी नहीं कर सकते। टाइप इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू यहाँ पे क्या है ताकि सर्वर को समझ सके कि किस कैटेगरी का यहाँ पे टेक्स्ट है, तो नेम इक्वल टू क्या करेंगे एडिश, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे एडिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डिफॉल्ट देंगे और इसके बाद साइज, साइज जो 40 दिया था यहाँ पे, साइज इक्वल टू क्या कर सकते हैं यहाँ पे 30 दे सकते हैं, साइज इक्वल टू 30, ठीक है। ऑल टैप करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और F5 करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक इसे छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अगर इसमें जो एड्रेस में जो कुछ भी देंगे, मान लीजिए कि रमेश कुमार झा है, यहाँ पे जनकपुर कर देते हैं, वैल्यू में जनकपुर यहाँ पे 16 कर देते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट रहा, अगर इसमें कुछ टाइप कर देंगे तो ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम और भी कुछ हम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है कंट्री, ठीक है। यहाँ पे फिर बीआर कर देते हैं, इसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम पी, पी टैग लेते हैं और पी टैग में यहाँ पे कंट्री, आप किस कंट्री से हैं, कंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, पी को यहाँ पे क्लोज करेंगे और ऑल टैप में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल टैप में जाएंगे, सेव करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कंट्री आ जाएगा। फिर कंट्री में क्या करेंगे दोस्तों, कंट्री यहाँ पे कॉलन दे देना है, कॉलन दे देना है और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सेम कॉपी कर लेंगे दोस्तों, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जो है यहाँ पे टाइप करने से भी होगा, या फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप यहाँ पे इनपुट बॉक्स है और नेम इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे कंट्री कर देते हैं, ताकि सर्वर को समझने में आसान होगा कि किस कैटेगरी का यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नेपाल कर देते हैं, नेपाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल टू नेपाल, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। F5 करेंगे तो कंट्री नेपाल। तो इस तरह आसानी से हम डाटा एंट्री फॉर्म में हम इजीली क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, उसको हम साइज को बढ़ा घटा सकते हैं और साथ ही साइज को क्या मैक्स इन लेंथ, मतलब कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी कैरेक्टर तक आप मेंशन आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल हमारा खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे वो सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।